नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस हफ्ते हम बातचीत कर रहे हैं सितार वादक देवोज्योति गुप्ता दा से। बातचीत का पहला हिस्सा आपने कल देखा था, आज देखिए बातचीत का दूसरा हिस्सा। चलिए दादा, अब इस इंटरव्यू के दूसरे हिस्से में आते हैं। और मैंने जब आपके बारे में बातचीत कर रहा था और आपके बारे में तैयारी कर रहा था, आपके बारे में पढ़ रहा था, तो मैंने पाया कि ये बड़ा आपके लिए बहुत एक तरीके से आशीर्वाद रहा कि गुरु खोजने नहीं पड़े, बल्कि गुरु ने आपको सुना और उनको आपका आपका आपकी मिठास कह लें इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने खुद से कहा कि हम आपको सिखाएंगे। और दो बड़े कलाकारों के साथ ऐसा हुआ। मैं चाहूंगा वो किस्सा आप शेयर करें हमारे साथ। नहीं, वहां पे मैं सिद्धर की बात कर रहा हूँ। वहां पे उस टाइम की बात कर रही थी जब मेरे डैडी भी नहीं थे, उनके गुजर गए थे। और मम्मी बहुत, मतलब मैं आगे कैसा करूँ, क्या करूँ, उसमें बहुत चिंतित थे। और आप जानते हैं कि आसाम एक बहुत दूर में, अगर आप बाकी जगह इंडिया में पूछे कि ये कहाँ पे रहता है सिद्धर का, बहुत लोगों को अभी तक भी वो आइडिया नहीं है। इंडिया कोलकाता तक आके खत्म हो जाता है, ऐसे बहुत सारे लोग। नॉर्थ ईस्ट इंडिया बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं आज के दिन में कि वो क्या है, कैसे। तो वहां पे अच्छे गुरु मिलना भी बहुत मुश्किल। मेरे जो पहले गुरु जी थे, उन्होंने मुझे बोलते थे कि मेरे पास जो था मैंने सिखा दिया है, जो भी तो अभी तुम्हें आगे जाना। मैंने तो बोलता था कि मैं कहाँ पे जाऊँ, यहाँ से मैं बहुत छोटा था तभी, और मेरे पिताजी भी नहीं थे। उसी टाइम पे एक चीज हुआ कि हमारे शिक्षा में एक प्रोग्राम था, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे, ऑनलाइन प्रोग्राम, पूरी इंडिया से लोग जाते थे गाना बजाने। उस टाइम पे दादा ऐसा जमाना था कि बोलना इस प्रोग्राम होता था, बोलना है पूरे रात। आज के दिन में तो बंद ही हो गया है, किसी को नहीं देते परमिशन, नहीं देते ये वो, बहुत सारे प्रोग्राम। तो उस जमाने में कोई बात ही नहीं थी, प्रोग्राम क्लासिकल म्यूजिक होता है तो बोलना है। शाम को चालू होते थे, मॉर्निंग तक चलते रहते थे। और क्या था उस जमाने, तो वैसे ही प्रोग्राम था हमारे सिलचर में। हम लोग सुनने गए थे, अपन बुद्धदेव दास गुप्ता जी आए थे, उनका बजाना था। तो वहां से जो उसके जो ऑर्गेनाइज किए हुए थे वो हमें बहुत जानते थे, बहुत प्यार करते। तो जब उनकी प्रोग्राम हुआ तो उनसे उन्होंने शायद बात की होगी कि यहाँ पे कोई लड़का है, आपको कहा हो मुझे पता है। तो प्रोग्राम के बाद मुझे आके किसी ने वॉलंटियर्स ने बताया कि तुम्हें बुला रहे हैं, ट्रेन में मिलना चाहते हैं। मुझे क्यों मिलना चाहेंगे, मैं तो सुन रहा था ऑडियंस। तो मैं गया मिलने, मेरे मामा माता जी भी मेरे साथ। वहां से जाने के बाद उन्होंने कहा कि कल मैं मॉर्निंग में हूँ, तो चले आओ मॉर्निंग में, होटल में चले आओ अपना चार्ज लेके। मुझे इतना ही कहा गया, क्योंकि आप जानते हैं प्रोग्राम खत्म होने के बाद बहुत लोग होते हैं वापस मिलने के लिए चले जाते हैं, बातें चलती रहती है। तो मुझे कहा कि बेटा कल मैं जाके मिला, और मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, कल मॉर्निंग में हूँ, मेरा फ्लाइट इवनिंग में है, मॉर्निंग में फ्री हूँ, तो अपना साथ भी। तो बहुत खुश हो गए मेरे माता जी भी, बहुत खुश हो गए। लेकिन हम डर भी गया कि क्या हुआ था। और आप सोच सकते हैं कि मैं बहुत छोटा था और इतने बड़े शख्सियत है, इतना बड़ा आने से तो बहुत डर गया था मैं। तो मॉर्निंग सुबह पहुंच गया मैं होटल के साथ, और भी लोग बैठे हुए थे, सब आर्टिस्ट बैठे हुए थे, सब गपशप मार रहे थे, सब कर रहे थे। तो मुझे कहा गया कि चलो आ जाओ, थोड़ा तो सुनाओ। तो आप जानते हैं ना, इतने बचपन में छोटा होते हैं तो बहुत, और मुझे पता भी नहीं था कि सुनने गया, बहुत खुश हो गए उनके। तो ये बोला मुझे कि मेरे माता जी को बोला कि क्या अभी क्या करना है इसके साथ। तो बोले थे कि नहीं, वही हम लोग भी सोचते कि क्या करते, बोले हमारे पास भेज दीजिए इतने के लिए। तो मेरे माता जी बोले कि तो बहुत दूर है, छोटा था आसान तो इतना दूर आना है। बोले कोई बात नहीं, हो जाएगा ये सब, आप तो बोली। तो वैसे स्टार्ट हो गए, इतना मैं आने लगा शुरू करता। और गुरु जी भी जाने लगे थे, बहुत सारे प्रोग्राम तो होते थे, और सिर्फ हमें सिखाने के लिए कुछ सिलसिला बहुत बार गए रहे उधर, क्योंकि मेरा बहुत, मैं बहुत लाकी हूँ जाते थे।
वहाँ भी 2 दिन रुक के पिकनिक के वहाँ पे आ जाते तो चले जाते थे 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में एक बार, और मैं भी आता था। तो वैसे चालू हो गया, फिर मैं कोलकाता आने लगा पिकनिक के लिए, ये सिलसिला चला 10 साल से 7-8 साल। लेकिन फिर उस्ताद शाहिद परवेज जो कि मतलब इस वक्त भारत के सबसे सम्माननीय सितार वादकों में से हैं, सबसे सुरीले सहज कलाकारों में से हैं, उनके साथ भी तो ऐसा ही हुआ, उन्होंने भी तो आपको सुना और उनको आपका वादन पसंद आया। बात की बात है, मैं जब कोलकाता आता था मेरे मन में बहुत था कि मैं इसका विराज था सबसे मिलूं, क्योंकि ये मेरा ड्रीम था इसे मिलूं, और मन में था कि क्या सीखने को मिल जाए थोड़ा सा भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये उस टाइम पे ना 90s में वो अमेरिका चले, और वहीं पे ये प्रोग्राम जब होता था, ये सीजन होता है विंटर में, तब आते थे और पूरे इंडिया में भेजाते थे। वैसे हुआ, ऐसा हुआ कि मैं उनसे मिला भी, उनको कि बेटा कैसे, उस टाइम पे ना कोई इंटरनेट नहीं था, ये सब नहीं था, आज के दिन में बहुत कितना आसान हो गया है कि कहीं पे आप बैठो, दूर से आपका संपर्क रहता है और मिल जाता है, लेकिन उस टाइम पे ये सब नहीं था। तो उन्होंने बोला बेटा तुम कैसे सीखोगे, मैं तो फ्री रहता हूँ। फिर उन्होंने बोला कि मेरा छोटा भाई इंग्लैंड था, सिंगापुर रहते थे, उसके पास चले जाते, तो मैं वहां पे भी गया। लेकिन ये दूसरी स्टोरी है कि सीखने का भी बहुत सारे बात है। गुरु अच्छा मिलना जो आपको सिखाए, ये भी आपकी ला सकते हैं। और ऐसा नहीं कि जो बहुत अच्छे परफॉर्मर है वो अच्छे गुरु हो, वह ये आपको सिखाना चाहे, ये भी बहुत कम। तो ये सब आप जानते हैं, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है पब्लिक की। तो वही मेरे मन में था कि इस ग्राम में मुझे सीखना है, तो मैं पंडित बुधादित्य मुखर्जी के पास भी गया, वो सिखाया नहीं, बोले कि मैं किसी को नहीं सिखाता, मेरे बेटे को मैं सिखा। तो उस टाइम पे वही थे सबसे आगे, मैं 90s की बात कर रहा हूँ, एंड ऑफ 90s जब सिर्फ आ रहे थे। तो मुझे किसी ने बोला कि तुम उसके पास क्यों नहीं जाते, तो उन्होंने बोला, मैंने बोला कैसे पॉसिबल है, मैं आसाम में रहता हूँ, कोलकाता में आके भी थोड़ा दिन रह जाता हूँ एवरी 2 मंथ 3 मंथ में, क्योंकि मुझे मुझे नेशनल स्कॉलरशिप मिला था, तो उसी पैसे से मैं आता था रहता हूँ। ठीक कर रहा, मैंने कहा वो तो मुंबई रहते हैं, मैं कैसे क्या करूँ। लेकिन वो पागल होता है ना लोग, जब सीखने के लिए खोल जाते हैं आता है, ऐसे ही मेरे मन में था, तो मैं चला गया मुंबई सब कुछ सीखने के लिए। मुंबई जब पहुंचा तो पता चला कि वो पहले मुंबई में रहते थे, अभी मुंबई नहीं रहते, पुणे में रहते, पहले माइंड में रहते थे मुंबई, फिर वो चले गए पुणे में अपना बंगलो बना। ठीक है, तो वहीं पे जाके मैं पहुंच गया, और 2000 की बात है ये, और मेरे पास पैसे नहीं थे मुंबई, आप जानते कितना एक्सपेंसिव थी, तो पुणे में जाके मैं चला गया। मेरे पास सितार था, एक बैग था, चला गया था वहीं पे, पुणे में जाकर उनसे मिला, वहीं पे बहुत प्यार मिला, उन्होंने बोला प्यार की बात क्या, तो इस तरीके से उनसे मुझे एक्सेप्ट किया। तो वहीं पे जाना जाना रहता था, और बहुत स्ट्रगल किए, बहुत स्ट्रगल थे, मतलब रहने की जगह नहीं थी, तो पुणे के रेलवे प्लेटफॉर्म में मैं रहता था वेटिंग रूम में, और सीखने जाते थे मॉर्निंग में, तो ऐसे बहुत सारे बातियां हैं कि बहुत स्ट्रगल था। और मेरे मम्मी बहुत बीमार रहती थी उस टाइम, तो ये सब चला, मतलब बहुत स्ट्रगल चला सीखने के लिए, सीखना ही था मुझे, बस मैं मरने था कि जलाने का जो चीजें है, क्योंकि मैं एक जगह से, इतनी छोटी सी जगह से आता हूँ कि वहाँ पे तो कोई जानता भी नहीं था, लेकिन मेरे माहौल बचपन में ऐसा था, गाने का सीखने थी और ऐसा गाइडेंस था, और हमें हमारे डैडी जब थे तो उतने गाँव के ही रिकॉर्ड होते थे ये सब गाने बजाना, उनकी एक संस्था था जहाँ पर उनके प्रोग्राम होते थे, तो बहुत बहुत बड़े बड़े लोग निखिल बनाजी से लेकर मुखर्जी, सब उनके डैडी नंदू मुखर्जी सब आते थे हमारे घर में, थे तो ये मुझे सुनने को देखने के जो मन में वो पागलपन है ना कि उसी से पहुंच गया। आज मैं जब सोचता हूँ कि मैं दोस्तों के पीछे से,
धीरे धीरे वो रहने लगे वहीं पे, मुंबई में रहने लगा, फिल्म इंडस्ट्री में मैंने बहुत किया ऐसे धीरे धीरे आगे आगे। विलायत खान साहब से आपने कहा कि मिलने का मौका मिला और बातचीत करने का मौका मिला, उस एक्सपीरियंस को थोड़ा और विस्तार से बताइए। एक ही बार मुझे मौका हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे वो रहते नहीं थे, तो प्रोग्राम था उनका, इसलिए मैं गया था। प्रोग्राम होने के बाद आप जानते हैं उनकी प्रोग्राम ऐसे होने के बाद लोगों की ऐसे भीड़ होते हैं, तो मेरे भी दादा थे बहुत पहचान वाले, वो लेके गया मुझे, तो मिलने का वो तो भगवान है मेरे लिए, अपने रिश्तेदार जब मैं सुनता हूँ कई सब पूछा। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी दूसरे आपके सामने बैठे, लेकिन इंस्पिरेशन भी होता है, उसी से भी आप बहुत कुछ सीख लेते हैं। जैसे एक लोग थे द्रोणाचार्य, तो सीख नहीं पाया, लेकिन तो वैसे ही था मेरा भी। एक आपकी स्टेज होता है, जब आपको बेसिक कुछ पता होता है, सब कुछ पता होता है, तो रात के बारे में तो आप उनके भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं। उनका जो उनके साथ से सीखता है वो उनके ज्यादा हुआ, जब मैं शायद जी से भी सीखता था बहुत। और तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखा, मेन तो ये गुरु जी का नाम है। वैसे दादा, कोई भी शिष्य अपने गुरु को के बारे में उससे सवाल पूछना तो खैर मतलब ठीक ही नहीं है, और सवाल पूछा ही नहीं जा सकता कि वो गुरु कैसे हैं। लेकिन ये जरूर आप बता सकते हैं मेरे ख्याल से कि शाहिद भाई, उस्ताद शाहिद परवेज, एक कलाकार के तौर पर और एक इंसान के तौर पर, जब अभी गुरु वाला पक्ष छोड़ देते हैं, कितने कितनी कितने सहज हैं, क्या कुछ उनके अंदर खास है जो आपको लगता है कि यार ये बात तो है उस्ताद जी में जो बहुत आम लोगों में नहीं दिखाई देती, कुछ ऐसी चीजें? बहुत कुछ मतलब मैं लगता है, मुझे लगता है कि उस्ताद विलायत खान साहब के बाद सितार को ऐसे परखना, और ऐसे बहुत सारे काम उन्होंने जो किया है कि उन्होंने ही किया, जैसे लयकारी की काम जो करते हैं कमाल है। मुझे नहीं लगता कि पहले किसी ने ऐसा किया होगा। तबले में जो चीज सुनने को मिल जाती है, जाती बहुत तिहाई, जो बहुत डिफिकल्ट होता है, वो ऐसे वो बजा के जाते हैं कि लगता है कि ये कोई बात ही नहीं है, मतलब वो कोई करने जाते पता चलता है कि वो क्या हो। और स्पेशली और बाकी चीज तो है ही, क्योंकि वो खुद भी बोलते हैं कि हम लोग जो बजाते हैं बजाता था काफी बजा किया है, हम तो सिर्फ उनको आगे लेके जाते हैं। लेकिन मैं उनको मानता हूँ कि वो बहुत कुछ किया है, जो आज के दिन में जितने लोग सितार बजाने के तैयार होते हैं, इलाज का काम तो है ही, लेकिन आज के जनरेशन में कोई है तो उनसे बहुत लोग ज्यादा है, क्योंकि मैं सबको देखता हूँ कि उनसे बहुत इंस्पायरेशन है। तो और ऐसे गुरु अगर बोले तो मैं बताना चाहूंगा कि बहुत अच्छे गुरु थे, लेकिन मुझे अगर पूछे तो मेरे जो पहले गुरु जी थे, क्योंकि आप जानते हैं ना, जो पहले गुरु आपके होते हैं और जो आपको हाथ पकड़ के जो मेहनत करके आपको सिखाते हैं, मेरे हिसाब से उनके ऊपर कोई नहीं होता, जो मेहनत उनके होते हैं। और मेरे जो पहले गुरु जी थे उस्ताद इलियास खान साहब के स्टूडेंट थे लखनऊ, आपने सुना होगा उस्ताद इलियास, बहुत बिल्कुल अच्छे उनके स्टूडेंट, और मुझे बहुत प्यार से उन्होंने सिखाया है, और ये मैं भूल नहीं सकता। उनके जैसे प्यार से मुझे घर में बैठा के रोज में, ये आप समझ सकते हैं ना, जैसे एक बच्चे को बचपन से एबीसीडी सिखाना और आगे लेके जाना, और फिर आप जब पीएचडी कर रहे हैं उनके जो गाइड होते हैं बात अलग है, लेकिन जो आपसे बचपन से किया है ना, मैं उनको सबसे ऊपर माना। बाकी सब लोग जब जाते हैं वो आपको तैयार मिलते हैं कि तैयार होके आया, बस अभी आगे जाए, तो जो मेहनत उन्होंने किया मेरे पहले मैं उनको सबसे आगे रखता हूँ, उनके वजह से मैं आज कुछ बजा रहा हूँ। वो मेरे मन में वो भी सिखा, मुझे सुनाते थे तुम गिलास का सबको चुन दो निकल गया, तो वो मुझे हमेशा सुना के बताते थे, देखो इस राग में तुमने क्या किया, उस राग में सबको सुनना चाहिए, सबका अच्छा लेना चाहिए, तो ऐसा था। तो उन्होंने मुझे जो गाइडेंस दिया सबके बारे में,
उनकी वजह से मैं आ गया। अच्छा दादा, एक चीज और बताइए कि आपने उनका बहुत बड़ा कंट्री, वो मेरे घर से लेके मुझे कोलकाता ले आसाम से पकड़ के लेके, मैं कोई नहीं था, कोई मुझे कुछ नहीं था, वो मुझे पकड़ के वहां से आके ले गया और मेरे अपने घर में रख के, कोलकाता में अपने घर में रख के वो सिखाते। ऐसे गुरु मुझे बहुत कम मिले, बहुत कम, मुझे दिखता नहीं आज के दिन में। उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स को गुजार है, हमारे आइडिया तो थे गिलास, लेकिन ये सब जो लोग इतने बड़े लोग इतने प्यार किए, मैं उनके आभारी रहूंगा हमेशा कि मैं जो कुछ कुछ भी नहीं मैं जानता हूँ इतना जानता हूँ। साहित्य जी का तो है ही, किताब में इस घराने का जो भी जो कुछ है स्पेशली इस घराने, सामने बैठ के मुझे सीखने को मिला। उनकी जो शख्सियत है इतना अच्छा, उनकी जो जो बात करते हैं आपके दिल में, उनको सुन के लगता है कि मैं कुछ करूँ, मतलब ये बजाना उनका ऐसा होता है हमेशा। मैंने कभी नहीं सुना कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि कभी थोड़ा इधर उधर हो जाए, लेकिन उनका जो स्टैंडर्ड रहता है ना वो, क्योंकि विराट का सबको तो मुझे सामने बैठ के देखने रिकॉर्डिंग में मिले या वीडियो, लेकिन उनको मैंने सामने बैठ के देखा है, वो उस टाइम की 2000 की आज की बात नहीं, दैट टाइम वो एकदम क्या बोलूं मैं, उनकी जो टॉप फॉर्म थे उस टाइम पे वो बज रहा है, उस टाइम पे मुझे सामने बैठ के जो देखने, तो मैं मेरे तीन गुरु के जो सबका अलग अलग कंट्रीब्यूशन सब मेरे लिए बहुत। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो पहले गुरु हैं उनको कभी नहीं भूलना चाहिए और उनको हमेशा आप सबसे आगे रखते हैं, क्योंकि असल में तो सारा सारी मेहनत जो है वो उनकी है। उन्होंने ABCD सिखाया और उसके बाद उन उस ABCD से अच्छे शब्द कैसे लिखने हैं और उन अच्छे शब्दों से अच्छे वाक्य कैसे बनाने हैं, ये संभवतः बाद में गुरुओं ने जरूर किया, लेकिन वो जो मूल शिक्षा है किसी भी कला की वो पहले गुरु से मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दादा ये बताइए कि जो आपने बचपन में गायकी सीखी या फिर जो तबला सीखा और फिर जो अब आप सितार की साधना कर रहे हैं, ये सब आपस में जब रिलेट होते हैं तो क्या आपको एक बेहतर परिपक्व एक बेहतर मेच्योर्ड कलाकार बनाते हैं? यानी अगर मान लें मैं इस सवाल को ऐसे पूछूं कि आपके सितार वादन में से मैं तबला हटा दूं, यानी आपने तबला नहीं सीखा, और आपकी गायकी हटा दूं, यानी आपने गायकी भी नहीं सीखी, तो क्या आपको लगता है कि आप ऐसे कलाकार ना होते जैसे आज हैं? हाँ दादा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि म्यूजिक में ताल सुर को होना ही चाहिए, लय भी होना बहुत जरूरी। तो हाँ, मेरे पास बहुत लोग सीखते हैं, मैं सिखाता हूँ, तो देखिए तबला आपको आना चाहिए थोड़ा बहुत, आपकी इससे बहुत प्रोफेशनल तो नहीं हो, लेकिन आपको सीखना चाहिए। बहुत लोग नहीं जानते कि शाह जी बहुत अच्छे तबले, बहुत अच्छा उन्होंने सीखा हो, गाना भी वो बहुत अच्छे गाता है, ऐसा नहीं तो गाना परफॉर्म करता, लेकिन बहुत अच्छे, अगर आप प्राइवेटली उनके साथ बैठे और गाना सुने तो हम बोलते रहे कि आप क्यों नहीं गाना गाया, इतना अच्छा होगा। तो आपको गाना भी आना चाहिए, तबला भी आना चाहिए, थोड़ा दिन आपको सब, मैं बोलता हूँ कि जो भी सीखते हैं उनको पहले ये थोड़ी चीज सीखना चाहिए, नहीं तो आप आगे जाके सितार में कुछ नहीं कर पाए। मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आप देखना आपके छोटे छोटे बच्चे भी अब गाना गा लेते, आप देख लेना कि कोई रिक्शा चला रहा है वो भी गाना गा रहा है, कोई रास्ते में भी आपको बहुत ऐसे लोग मिल जाएंगे, क्या अच्छा गाते हैं, ऐसे बहुत सारे वीडियो हमें देखने को मिल जाता है जिन्होंने कभी सीखा नहीं कुछ नहीं किया, तो ये तो बहुत ही फेड इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे गला, इससे आगे कुछ होता ही नहीं। लेकिन इससे क्या होता है, आप गाना तो गा देते हैं लेकिन आपको इसके ग्रामर मालूम नहीं कि कौन सा नोट लगा या कौन गा, उसके लिए आपको गुरु के पास जाना। अगर सितार बजाएंगे जो सितार सीखना चाहते हैं तो पहले गाना सीखो, क्योंकि वो सीखना भी जरूरी है, नहीं तो क्या बजाओ। और तबला का भी आना चाहिए थोड़ी बहुत, उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए, अगर आपको अच्छा बजाना है टॉप में बजाते हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर आपको परफॉर्मर होना है तो ये सब चीज गाना तबला सितार जो आप सीखे, सितार करो कुछ भी आप सीखे, लेकिन गाना भी आना चाहिए, तबला सुना इससे मेरे बाद में बहुत मुश्किल है।
आप रट्टा मार के आप जा रहे हैं तो। चलिए दादा, आपने हमारे लिए समय निकाला, और दिलचस्प बात ये थी कि जब हम लोग दोपहर में आज बात कर रहे थे और आपने बताया कि कोलकाता का मौसम ठीक नहीं है, फिर हमने ये भी देखा कि कैसे बीच बीच में लाइट भी जो है वो कुछ बेसुरी हो रही थी, कभी कभी वो जल बहुत रही थी और कभी नहीं जल रही थी, ज्यादा लेकिन मेरा वाईफाई बावजूद भी काम कर रहा है। नहीं लेकिन उसके बावजूद आपने बातचीत की, सितार सुनने को मिला हमको, और ये इंटरनेट की दुनिया में कई बार जो आप बजाते हैं बिल्कुल वैसा सुनाई नहीं देता, लेकिन जितना भी हम सुन पाए वो बहुत मीठा, बहुत सुरीला था। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आपके भविष्य के लिए। ज्यादा मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि और जो आप काम कर रहे हैं राजगिरी और जो क्लासिकल म्यूजिक के लिए करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज के बहुत लोग कम मिलते हैं जितना क्लासिकल म्यूजिक के लिए, तो आप ऐसे ही करते रहे और आपसे मुलाकात आगे भी होगी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू दादा।